मुश्किलों भरे रास्तों पर इंसाफ की मांग को लेकर सफर जारी है। हर दिन नई मुहिम छेड़ी जाएगी और हर पल एक नई जंग लड़ी जाएगी। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक रुचिका को इंसाफ नहीं मिल जाता। 19 साल से जो लोग रुचिका के लिए लड़ रहे हैं वो आज रुचिका से कुछ यही वादा कर रहे हैं। उनसे आंखें बंद करके कुछ बातें भी की हैं आज और उनसे प्रॉमिस भी किया है कि जो उन्होंने फाइट शुरू की थी वो अंजाम तक जरूर लेकर जाएंगे। 19 साल बाद बहुत कुछ बदल गया है, यहाँ तक कि रुचिका का पुराना घर भी बदल गया है जहाँ अब एक इमारत बन रही है, लेकिन नहीं बदला है तो गरिहोत्रा परिवार का खौफ। इंसाफ की जंग में अब हर परत फिर से खुलेगी। रुचिका के पिता ने पंचकुला के एसपी को दो शिकायतें दर्ज कराई हैं। शिकायत नंबर एक, राठौर ने सबूतों से छेड़छाड़ की थी, और शिकायत नंबर दो, रुचिका के भाई आशु को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ भूपेंद्र नारायण सिंह, पंचकुला आज तक। रुचिका ने एक जुल्म झेला और न जाने कितने सितम। राठौर के खिलाफ जब उसने आवाज उठाई तो वो स्कूल भी न जाने क्यों दुश्मन बन बैठा, जिसे उस पर लाज हुआ करता था। बहाने कुछ और थे, लेकिन आरोप है कि राठौर के दबाव में ही मासूम को स्कूल से निकाल दिया गया। अब चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर क्यों रुचिका को स्कूल से बाहर निकाला गया। क्या रुचिका के एक्सपल्शन से पहले किसी तरह का शो कॉज नोटिस उसको दिया गया है? नहीं दिया गया, तो उसके आधार पे और हमने एसडीएम प्रेरणापुरी को जांच के आदेश दिए हैं। रुचिका केस में हर मोड़ पर बरती गई लापरवाही के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। किन हालातों में रुचिका ने खुदकुशी की, किन कारणों के लिए 9 साल तक एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई? ये पीआईएल शायद एक मील का पत्थर साबित हो सकती है और रुचिका को इंसाफ मिलने की उम्मीद एक बार फिर से जाग सकती है। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। साल बाद अब हर मोर्चे पर इंसाफ का नारा बुलंद हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आवाज उठाई है कि चाहे वो कोई भी हो, रुचिका केस के हर जिम्मेदार शख्स को माकूल सजा मिलनी चाहिए। जो लोगों ने इस पर कॉन्स्पिरेसी में चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सम्मिलित हुए हो, हम चाहते हैं वो सब का सामना होना चाहिए। मुझे उसमें कहने के लिए इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। 19 सालों का हिसाब कौन देगा जब कदम कदम पर रुचिका रुस्वा होती रही और राठौर जैसा दबंग अफसर अपने रुतबे का नजायज फायदा उठाता रहा। इस बीच आवाज बुलंद होती देख अब सीबीआई भी इस केस पर कानून मंत्रालय से सलाह लेने की सोच रही है। सलाह ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को लेकर, इस मामले में यदि कोई अंतिम निर्णय लेना होगा तो वह विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये आवाजें अब क्यों उठ रही हैं? दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक। जब रखवाली करने वाला ही असमत का लुटेरा बन जाए और इंसाफ मांगने से नहीं मिले तो क्या करे मजलूम। 13 साल पहले बलात्कार के शिकार बनी दौसा की इस महिला ने इंसाफ की आस में इतना अरसा गुजार दिया। बलात्कार का आरोपी कोई गुंडा बदमाश नहीं, राजस्थान पुलिस का डीआईजी मधुकर टंडन था। अपने ही विभाग के अर्दली की बीवी को उसने धोखे से नोएडा ले जाकर जबरदस्ती कर डाली। मेरा वो ले गया आदमी, बेकार मेरा सबका आदमी वहाँ ले गया, वो एक्सीडेंट होगा जयपुर में, तो तुम चलो तो सब मैं चल दी थे ले मैं टकरा गया होगा। डीआईजी था, पुलिस का बड़ा अधिकारी था, तो पूरा पुलिस प्रशासन उन्हीं की तरफ हो गया, हमारी तरफ कोई नहीं रहा। मैं ये कांस्टेबल था। पीड़ित परिवार की जीत है कि इंसाफ मिलने तक वो धरने पर बैठा रहेगा, जबकि हैरत की बात है कि अपने आप को संवेदनशील सरकार कहने वाली गहलोत सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस परिवार से मिलने अब तक नहीं पहुंचा है।